बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट टू है उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे पॉस्टुलेट्स हैं जिन पर ही हमारा क्वांटम मैकेनिक्स चलता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आप सभी को यूनिट टू में ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं, अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉस्टुलेट्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पढ़ने चाहिए। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में यह एक टॉपिक पढ़ा था पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम लोगों ने उस लेक्चर में यह बात किया था कि हमारे जो आइडियल गैसेस होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए उन्हें हम आइडियल गैस कह रहे थे। ठीक है, वैसे ही जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है इसका पूरा साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको एक नियम पर आधारित किया जा सकता है, तो उन्हीं का एक समरी बनाया गया जिसमें 6 से 8 पॉस्टुलेट्स को रखा गया। और आप सभी के सिलेबस में 4 ही पॉस्टुलेट्स दिए गए हैं तो मैं उन्हीं 4 पॉस्टुलेट्स के बारे में आप सभी को समझाने वाला हूं। तो इन्हीं पर ही हमारा पूरा क्वांटम मैकेनिक्स वर्क करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं। The postulates of quantum mechanics are simply the step to step procedure to solve the simple quantum mechanical problem। क्या कहता है कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का पॉस्टुलेट होता है वह सिंपल क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स, यहां पर हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पॉस्टुलेट ये आता है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कौन सा आता है, द वेव फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, द वेव फंक्शन। ठीक है, या फिर इसी को ही कई बार आपको स्टेट फंक्शन भी देखने को मिल सकता है, द वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट, जो हमारा वेव फंक्शन होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू को रखना चाहिए, एंड और हमारे पास यह कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट तो यह बोला जा रहा है कि फाइनाइट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट हमसे बोला जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो वेव फंक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो हम आप सभी को अभी तक क्या क्या बताते जा रहे थे कि हमारा जो वेव फंक्शन होता है वह ऐसे चलता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पानी का लहर तो देखे होंगे ना कि कैसे चलता है, ऐसे ऐसे करते हुए हमारे पानी के लहर चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक वेव का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो वेव फंक्शन होता है, कोई भी पार्टिकल जो होता है उसकी ड्यूअलिटी नेचर हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ वह वेव नेचर को भी शो करता है। तो जब वह आगे बढ़ता है, वैसे तो वास्तव में पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए लेकिन वो ऐसे ऐसे होते हुए आगे बढ़ता है, और जब यही बड़े मैटर की बात की जाती है तो पता नहीं चलता, तो ऐसा लगता है कि वो सीधे एक लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, खैर वहां पर नहीं जाते, यहां पर मुद्दे पर बात करते हैं। देखो अब यहां पर हम बात करते हैं, तो यह जो वेव आप सभी को दिख रहा है यह क्या है, सिंगल वैल्यूड भी है, क्योंकि एक समय पर अगर कहीं पर यहां पर लिया जाए, चाहे यहां पर लिया जाए, चाहे यहां पर लिया जाए, हर जगह पर हमें केवल एक ही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड। कॉन्टिन्यूअस है, क्यों कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहां पर कहीं भी ब्रेकिंग आपको नजर नहीं आ रहा है, या लगातार चलता ही जा रहा है। ठीक है, फाइनाइट भी होना चाहिए, देखो यहां से शुरू हुआ है और मैंने यहां पर खत्म कर दिया, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, या केवल फाइनाइट ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम एक कंपाउंड को उठाते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपाउंड के अंदर ही होंगे ना, उसके बाहर तो हो नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए जब वो कंपाउंड के अंदर है, तो मान लेते हैं यह एक कंपाउंड है, जैसे चौक है, तो यह भी तो एक कंपाउंड ही है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चौक के अंदर ही तो है, बाहर तो आपको दिख नहीं रहे, तो इनका जो एरिया है, जो चलने का दूरी है, वो क्या है, फाइनाइट ही है, तो इनका जो वेव होगा वह भी फाइनाइट ही होगा, इस साइड से इस साइड तक ही। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो अब यहां पर देखो एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया, कई बार आपको ना जैम वैम लेवल में ऐसे पूछ लिया जाता है, ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है। ठीक है, बताओ यह क्या वेव फंक्शन है, देखो एक बात और मैं बता देता हूं, जो हमारा वेव फंक्शन होता है कई प्रकार से वेव फंक्शन दिखाया जा सकता है,
लेकिन जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में आइडियल वेव होगा वो इसी प्रकार का ही केवल हो सकता है। अब अगर इसमें बात किया जाए तो यह भी एक वेव फंक्शन हम कहेंगे, लेकिन क्या यह आइडियल वेव फंक्शन है? तो देखो फाइनाइट तो है, यहां से शुरू हुआ यहां पर जाकर खत्म हुआ, लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकते, ये फाइनाइट भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहां से शुरू हुआ और यहां पर ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इनफाइनाइट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और देखो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इस पॉइंट पर हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दो वैल्यूज मिल रहे हैं, तो इसलिए यह सिंगल वैल्यूड तो हो नहीं सकता, यह मल्टीपल वैल्यू हो गया, ठीक है। और क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो देखो इन तीन कंडीशन में से अगर केवल एक ही कंडीशन फेल हो जाता है तो वह हमारा आइडियल वेव फंक्शन नहीं हो सकता, यह बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसलिए यह हमारे पास आइडियल वेव फंक्शन नहीं हो पाया, यह हमारे पास हो गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो हाइपरबोला हम ले लेते हैं, ठीक है, पैराबोला ले लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक पैराबोला आ गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, तो चलो हम मान लेते हैं कि यहां से शुरू हुआ यहीं पर ही खत्म हो गया, तो फाइनाइट तो हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्या कॉन्टिन्यूअस है? तो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। क्या यह सिंगल वैल्यूड है? यहां पर देखते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, यहां पर देखिए इस पॉइंट पर यहां भी एक वैल्यू दे रहा है, यहां पर भी एक वैल्यू दे रहा है, तो यह हमारे पास क्या हो गया? आइडियल वेव फंक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो जो पैराबोला होता है यह कई प्रकार का होता है, यह बात हम जानते हैं। एक चलो हमने पैराबोला ऐसे ले लिया, तो यह जो पैराबोला है यहां पर देखो, एक्चुअली ऐसे ना करते हुए बनाए क्योंकि इसमें लग रहा है कि एक ही पॉइंट पर कई सारे पॉइंट मिल जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। अब देखो हर एक पॉइंट पर हमें हर एक एक ही केवल वैल्यू मिल रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि दो पॉइंट एक पॉइंट पर दो वैल्यू मिले। फाइनाइट भी है, यहां से शुरू हुआ यहीं पर ही खत्म हो गया। कॉन्टिन्यूअस भी है, ऐसे ही चलता जा रहा है, यानी कि ये पैराबोला हमारे पास वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल वेव फंक्शन को, लेकिन ये हमारे पास नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ गए ना इस बात को। एक बात और ध्यान में रखना, जो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक वेव फंक्शन जो बनते हैं, वो कभी भी हमारे आइडियल वेव फंक्शन नहीं हो सकते, यह बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप सभी को नहीं बनाना है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पहला हमने अपना डिस्कस कर लिया पॉस्टुलेट, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉस्टुलेट की तरफ। तो पहले पॉस्टुलेट्स को तो हम लोग समझ चुके हैं, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉस्टुलेट की तरफ। इन पॉस्टुलेट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन यहां पर ग्रेजुएशन लेवल पर उतनी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। दूसरे पॉस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम is described by वेव फंक्शन, ठीक है, या फिर फंक्शन भी लिख सकते हैं, चलो मैं वेव फंक्शन लिख लेता हूं, ठीक है, वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स दैट डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करेगा? वो कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है, यह बात ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करिए कि यह क्या बात बोली जा रही है। देखो एक बात का ख्याल रखो, हम लोग यह बात जानते हैं कि जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है उसी की सहायता से ही हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, वगैरह वगैरह, सभी चीज़ों को हम किससे प्राप्त करते हैं? उसके वेव फंक्शन से ही उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, ये बात हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है उसका जो स्टेट, अब स्टेट का मतलब कुछ मत निकालो यहां पर, बस इतना समझो कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में जो पूरी जानकारी देता है उसी को ही हम वेव फंक्शन कहते हैं और उसे हम साई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये साई एक्स जो है ये एक्चुअली एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को अगर हम 3D में देखेंगे तो साई एक्स वाई जेड हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यह केवल एक ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साई एक्स को, ठीक है। तो यहां पर एक्स वाई जेड भी लिखा जा सकता है, ये केवल एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है जबकि हम तीनों डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स पर ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल किस कोऑर्डिनेट में मोशन कर रहा है,
इस पर ही डिपेंड करता है उसका वेव फंक्शन। और यह बात ध्यान में रखना, यह टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दूसरा पॉस्टुलेट हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉस्टुलेट की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉस्टुलेट की तरफ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी मैं इस चीज़ को समझा भी चुका हूँ। देखो, यह बात हम जानते हैं कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है, जो एक्चुअली न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो वह जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है उसमें हम किसी भी सबस्टेंस का जो पोजीशन होता है, एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी में भी लीनियर जो हमारे पास एनर्जी होता है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो हमारे पास मोमेंटम होता है उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में होती हैं उन्हीं के सिमिलरली ही क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर दे दिया गया है, जिस ऑपरेटर को हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे और हमें उससे एक नए प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम एनर्जी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे वेव फंक्शन पर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी, अगर हम लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे जिसे हम px कह रहे थे तो हमें क्या मिलेगा, उसका लीनियर मोमेंटम मिलेगा। ऐसे जितनी भी चीज़ों को हम ऑपरेट करते जाएंगे उनसे हमें एक नई चीज़ें मिलती जाएंगी जो कि उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती रहेंगी, ठीक है। तो यही चीज यहां पर लिख दिया है मैंने कि लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह फॉर एवरी फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम में दो प्रकार के मोमेंटम होते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी हो गया, एनर्जी में भी दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ETC। ये जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ए पर्टिकुलर ऑपरेटर एग्जिस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेटर दे दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखिए, हम लोगों ने जो ऑपरेटर लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, आप सभी को याद ही होगा, आप लोग कॉपी में भी लिखे होंगे, तो उसमें हमने क्या किया था, एक टेबल बनाया था जिसमें एक क्वांटम वेरिएबल, क्लासिकल मैकेनिक्स थे और क्लासिकल वेरिएबल्स थे और एक क्वांटम मैकेनिक्स था और एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर था, ठीक है। तो ये तीन टेबल थे ना, तो उन टेबल को क्या करिएगा, अब इसके नीचे आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, वहाँ से क्या होगा, जब आप एग्जाम में उन चीज़ों को लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ा है इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चौथे क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथे पॉस्टुलेट की तरफ। चौथा पॉस्टुलेट भी बहुत ही आसान है क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों को बात कर चुके हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, इफ़ द वेव फंक्शन इज अ फंक्शन फॉर ए गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम, या फिर फॉर ए गिवन वेव ऑफ ए सिस्टम एंड ए कैप इज अ सुटेबल ऑपरेटर ऑफ ए पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक जो गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम होगा उसके लिए हमारे पास एक वेव फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ एक ऑपरेटर ए दे दिया गया है जो कि उसके लिए सुटेबल है, हम किसी भी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को निकालना चाहते हैं तो। फॉर एग्जांपल जैसे हम एनर्जी को निकालना चाहते हैं तो हम एच ऑपरेटर को अप्लाई करते थे जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम कह रहे थे और उससे हमें एनर्जी प्राप्त हो रही थी उस वेव फंक्शन की, ठीक है। तो वही बात यहां पर बोली जा रही है कि हमारे पास एक वेव फंक्शन दे दिया गया है किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम का, ठीक है, और साथ ही साथ उसके लिए एक सुटेबल ऑपरेटर को भी दे दिया गया है जो कि उसके किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। देन द ऑपरेशन ऑफ साई, तब हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर ए को, ठीक है, ए कैप को अगर हम उस साई पर ऑपरेट करते हैं, वही बात बोली जा रही है, देन द ऑपरेशन ऑफ साई बाय द ऑपरेशन ए कैप गिव्स द फंक्शन साई मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कहता है कि अगर इनका अगर हम ऑपरेशन कराएंगे तो हमें एक वैल्यू देगा जो कि उस फिजिकल, जो कि उस सिस्टम का फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा है और उसमें हमारा वही वेव फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा। वही बात यहां पर बोली जा रही है, मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, वो भी फंक्शन साई में ही मल्टीप्लाई होगा। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है और इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ऑलरेडी आप सभी को बता भी चुका हूं, एनर्जी वाला एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई होता था, ठीक है, जहां पर यह भी मेंशन कर लो वेयर, जहां पर हमारे पास जो ए कैप है वो एक्चुअली एक ऑपरेटर है, ठीक है, क्या है, ऑपरेटर है, और जो हमारे पास साई है, जो साई है वह क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, और जो हमारे पास ए होता है, यहाँ पर ए मैंने लिखा है, तो ये एक्चुअली आइगन वैल्यू लिखा जाता है बुकों में, लेकिन आइगन वैल्यू का मतलब हो गया कि एक ऐसा वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि एक सल्यूशन होगा,
ठीक है, आइगन वैल्यू, और ये कैसा होता है ना, ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि रियल नंबर का यह एक सिस्टम होता है, ठीक है, यह बात ध्यान में रखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, ये केवल रियल नंबर हो सकता है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है, चीज़ों को समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, चलो रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमें पता है कि हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया जाता है, उसके लिए एक हमारे पास ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और वही ऑपरेटर जब हम उस वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं या फिर उन दोनों का ऑपरेशन कराते हैं, तो हमें एक नई वैल्यू मिलती है जो कि उस ऑपरेटर पर डिपेंड करता है कि क्या दे रहा है। अगर हम एनर्जी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिलेगा, अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी सी ऑपरेटर्स हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जिस भी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे अपने वेव फंक्शन पर, तो वह एक नए प्रकार का वैल्यू देगा जो कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा और उसी वेव फंक्शन का मल्टीप्लाइड फॉर्म होता है। तो वही बात यहाँ पर बोल दी गई है, और जहां पर हमारे पास ए जो है वह ऑपरेटर है, साई जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है, और ए जो होता है वह आइगन वैल्यू बुकों में लिखा जाता है, लेकिन यह एक सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, ये भी बोला जा सकता है, ठीक है, समझने के लिए। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने चार अपने पॉस्टुलेट्स को समझ लिया है, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉस्टुलेट की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉस्टुलेट की तरफ, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पॉस्टुलेट की तरफ। क्या बात बोली जा रही है, इसे भी समझना बहुत ही आसान है क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों पर बात कर चुके हैं, इसीलिए इनका बस हम एक समरी आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यह बात ध्यान में रखना, पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आप सभी के एग्जाम में गारंटी के साथ आएगा, चाहे वह छोटे क्वेश्चन में आए चाहे वह बड़े क्वेश्चन में, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अपने पांचवें पॉस्टुलेट की तरफ, यहां पर क्या बोला जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। द वेव फंक्शन, या फिर स्टेट फंक्शन भी कहा जाता है, द वेव फंक्शन ऑफ इस सिस्टम इन इवॉल्व्स इन टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर यहां पर मेंशन कर लो वेव इक्वेशन, ठीक है। अब समझो इस बात को कि क्या मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सा लॉजिक है, मैं समझा देता हूं। देखो क्या बोला जा रहा है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसके अनुसार जो कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम होता है, तो उसका अगर हम वेव फंक्शन बनाते हैं या फिर स्टेट फंक्शन बनाते हैं, तो उसमें हमारा टाइम इंक्लूड होता है, ये बात बोली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू यह बात बोल दी गई है, जैसे कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसे जब हम क्या करते हैं, फंक्शन साई पर ऑपरेट कराते हैं, तो हमारे पास क्या मिल रहा था, ठीक है, ये एनर्जी ऑपरेटर है, यह बात ध्यान में रखिएगा, तो हमें मिलता था माइनस एच अपॉन में 2πi डेल अपॉन में डेल टी होता था, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना रहता था। इसी को ही हम दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान दीजिएगा, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या एनर्जी ऑपरेटर है, विच इज इक्वल टू माइनस आई को हम माइनस वन को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, क्योंकि यह बात हम जानते हैं कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एच। और एक बात ध्यान में रखो, चलो अच्छा लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक काम करते हैं, ये आई यहाँ कर देते हैं और एच के नीचे हम 2π कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास डेल अपॉन में डेल टी हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या लिखने वाला हूँ मैं, एच कैप साई इज इक्वल टू एक आई से एक आई कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक ही आई मिलेगा, ठीक है। और यह भी बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास एच होता है, अगर इसे बीच से काट दिया जाए, तो हमें मिलता है एच अपॉन में 2π मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, एच अपॉन में 2π, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एच, और वो भी बीच से कटा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम क्रॉस काटेंगे तो एच अपॉन में 2 वैल्यू हो जाता है, अगर यहाँ पर हमें एच को बीच से काटना है तो वो एच अपॉन में 2π हो जाता है, यह भी बात ध्यान में रखना, तो ये डेल अपॉन में डेल टी हो जाता है। तो कई बार आपको बुकों में ये भी देखने को मिल सकता है, कई बार बुकों में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, दोनों ही अपने यहाँ पर सही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद और भी पॉस्टुलेट्स आते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन आप सभी के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, और हमें कुछ ही पॉस्टुलेट्स की पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत बड़े स्तर पर काम करता है, लेकिन हमें बस अपने लेवल के ही चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो हम लोग उलझ जाएंगे, फिर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। और बहुत ही छोटे से लेवल का क्वांटम मैकेनिक्स आप सभी के सिलेबस में दिया गया है, तो उसी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हमारा यूनिट 2 है, आई थिंक 4-5 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बढ़ेंगे यूनिट 3 की तरफ,
ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया हो। अगर लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट करिएगा। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप सभी को रेगुलर बेसिस पर मिल रहे हैं, तो उन्हें ज्वाइन करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।